हाय फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हो गया 8 दिसंबर। 8 दिसंबर से जितने भी करंट अफेयर्स क्वेश्चन बन गए, यहां से हम कवर करेंगे जो आपके हर एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे कोई भी एग्ज़ाम दिला रहे हो, चाहे SSC, रेलवे, UPSC, चाहे बैंक, चाहे स्टेट या कोई भी एग्ज़ाम हो, और आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है, कोई भी एग्ज़ाम दिला रहे होंगे, तो आपके सभी एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आजकल जो करंट अफेयर्स का वेटेज भी बढ़ा दिया, 8 से 10 क्वेश्चन आपके हर एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स से पूछे जाते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स जी। याद रखिए, मैं डेली बेस पे करंट अफेयर्स भी पढ़ाता हूँ, जो मॉर्निंग में 8 बजे अपलोड हो जाता है, तो डेली बेस पे पढ़ सकते हैं करंट अफेयर्स। यहाँ पे संगम अभ्यास का जो कि 7वां संस्करण, जो भारतीय नौसेना मार्गो और US नेवी सील के बीच यहाँ पे संयुक्त नौसेना विशेष बल का जो कि यहाँ पे अभ्यास जो कि हुआ है, तो डेट को याद रखिए 1 दिसंबर 2022 से यहाँ पे शुरू हो गया है गोवा में। तो याद रखिए, यह संगम अभ्यास है जिसमें यह 7वां संस्करण है। इसमें आपके भारतीय नौसेना मार्गो और US नेवी सील के बीच एक संयुक्त नौसेना विशेष बल जो अभ्यास है, जो आपसी सेनाओं में अभ्यास किया जाएगा, तो यहाँ 1 दिसंबर 2022 से स्टार्ट हो गया है। आपके गोवा, गोवा की राजधानी है, पणजी में स्टार्ट किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद, जिसे GDP के रूप में हम जानते हैं, तो इसकी दर वृद्धि दर को जो कि अनुमानित लगाकर यहाँ पर 6% बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हाल ही में इसका ऑप्शन है 6.7%, 6.8%, 6.9% या D है इनमें से कोई, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 6.9%। याद रखिए, तो यह आपके विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत के जो सकल घरेलू जो उत्पाद है GDP दर, यहाँ पे वृद्धि दर जो अनुमान लगाकर 6.5% था उसको बढ़ाकर यहाँ पे 6.9% किया गया, तो 6.9% यहाँ पे विश्व बैंक द्वारा इसको जारी किया है 2022-23 के लिए, ईयर के लिए। तो सकल घरेलू उत्पाद यहाँ पे 6.9% बढ़ाकर यहाँ पे जो विश्व बैंक ने यहाँ पे जारी किया गया, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाया गया है? तो 6 दिसंबर, 7 दिसंबर, 8 दिसंबर, D है इनमें से कोई नहीं, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा अभी ऑप्शन 7 दिसंबर, याद रखिएगा। तो 7 दिसंबर को यह अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अंतर्राष्ट्रीय जो नागरिक उड्डयन दिवस है, हर साल 7 दिसंबर को मनाया जाता है, तो लोगों को जागरूक करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस 7 दिसंबर को मनाया गया, याद रखिएगा। और यहाँ का जो जो इस बार जो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस का यहाँ पे थीम जो बनाया गया है, एडवांसिंग इनोवेशन फॉर ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट, इसका इस साल का थीम है। तो याद रखिए, थीम से भी क्वेश्चन आपके वनडे एग्जाम में पूछा जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस 2022 का जो थीम रखा गया है, एडवांसिंग इनोवेशन फॉर ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट, इसका इस साल का थीम है। तो क्वेश्चन को याद रखिएगा, थीम से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में राष्ट्रीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो 6 दिसंबर, 7 दिसंबर, 8 दिसंबर, D है इनमें से कोई नहीं, तो हाल ही में 7 दिसंबर को, तो 7 दिसंबर को नागरिक उड्डयन दिवस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया गया है, 7 ही दिसंबर को राष्ट्रीय सशस्त्र सेना या झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है, दोनों एक ही दिन मनाया जाता है, याद रखिएगा। तो 7 दिसंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 5 है, हाल ही में RBI ने रेपो रेट 0.35% बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 6.25%, 7.25% या 8.25% या D है इनमें से कोई नहीं,
तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 6.25%। तो हाल ही में आरबीआई ने जो रिपोर्ट दर है 0.35%, इसको बढ़ाकर यहाँ पे 6.25% कर दिए गए। तो यहाँ पे आरबीआई की बात कर रहे हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है। और इसको जो इस्टैब्लिश किया है या स्थापना किया गया है 1 अप्रैल 1935, याद रखिए ये वनडे एग्जाम में इसकी स्थापना को पूछा जाता है। तो आरबीआई की जो स्थापना है इस्टैब्लिश किया है 1 अप्रैल 1935, डॉट को याद रखिएगा। तो 1 अप्रैल 1935 को स्थापना किया है आरबीआई का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। इसके वर्तमान में जो गवर्नर है शक्तिकांत दास, जो कि वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर है। इससे भी ये क्वेश्चन अब पूछ लिया जाता है आरबीआई के गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास, याद रखिए। पूरे फैक्ट के साथ पढ़ाता हूँ मैं, जो आपके एक क्वेश्चन से बहुत सारे फैक्ट बताता हूँ, इसलिए कि आपके एग्जाम में यहाँ से घुमा फिरा के क्वेश्चन एक नया क्वेश्चन पूछ ही जाता है। तो याद रखिए गवर्नर वर्तमान में शक्तिकांत दास, जो आरबीआई के गवर्नर है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर, ये भी याद रखिएगा। तो हाल में जो आरबीआई ने रिपोर्ट रेट जो 0.35% बढ़ाकर यहाँ पे 6.25% किया है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में साल 1971 में भारत सरकार द्वारा बांग्लादेश की मान्यता को चिन्हित करने वाली मैत्री दिवस की कौन सी वर्षगांठ 6 दिसंबर 2022 को बांग्लादेश की, जो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका में, मनाई गई है? तो 91, 52, 53 या डी है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 51, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 51, याद रखिए। तो हाल ही में 1971 में भारत सरकार द्वारा और बांग्लादेश की जो मान्यता को चिन्हित जो करने वाली है मैत्री दिवस, तो यह मैत्री दिवस की जो वर्षगांठ है 6 दिसंबर 2022 को बांग्लादेश की जो राजधानी है ढाका, तो बांग्लादेश की राजधानी हो ढाका है यहाँ की राजधानी, तो यहाँ मनाई गई है 91, जो बांग्लादेश की जो चिन्हित मैत्री दिवस की 91 वर्षगांठ है, जो 6 दिसंबर 2022 को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में इसका आयोजन जो कि किया गया था। तो इसका याद रखिए कि यह 91 क्रम का जो कि यह आपके मैत्री दिवस है, आपके बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, यहाँ की जो करेंसी है टका के नाम इसको जाना जाता है, और यह 91 क्रम का था, ये याद रखिएगा, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी बॉलीवुड अभिनेत्री फीफा विश्व कप ट्रॉफी का अनावरण करेंगी? तो कैटरीना कैफ, विद्या बालन, दीपिका पादुकोण, डी है, इनमें से कौन है? तो हाल ही में जो बॉलीवुड के एक्ट्रेस है दीपिका पादुकोण, आप जानते ही होंगे इसको। तो हाल ही में जो दीपिका पादुकोण है, तो हाल ही में जो ये बॉलीवुड जो अभिनेत्री हैं दीपिका पादुकोण जी, तो हाल ही में जो फीफा विश्व कप ट्रॉफी जो चल रहा है मैच यहाँ पे, जो कि कतर में इसका आयोजन हो रहा है, जब फीफा विश्व ट्रॉफी का अनावरण आपके दीपिका पादुकोण इसका अनावरण करते अभी हाल ही में दिखेंगे समापक के दिन। तो हाल ही में 18 दिसंबर को कतर के लुसेन स्टेडियम, याद रखिए कतर के जो लुसेन स्टेडियम, इस स्टेडियम अभी जो कि फीफा विश्व कप जो मैच चल रहा है, तो 18 दिसंबर को कतर के लुसेन स्टेडियम में यहाँ पे इसका समापन होगा। तो कतर में हो रही लुसेन स्टेडियम, याद रखिएगा, जो फीफा कौन से स्टेडियम में जो कि फीफा जो कि यह खेल हो रहा है पूछा जाएगा, तो याद रखिएगा लुसेन स्टेडियम जो आपके कतर में है, तो 18 दिसंबर को इसका समापन है फुटबॉल विश्व कप का, जो फाइनल मुकाबला जिसमें आपके जो फाइनल में जो आपके हमारे जो एक्ट्रेस है दीपिका पादुकोण जी, तो फीफा विश्व कप की ट्रॉफी का अनावरण करते आपके कतर जाएंगे। तो इसका जो 18 दिसंबर को कतर में समापन में फाइनल में जो मुकाबला होगा वहाँ पे, तो दीपिका पादुकोण वहाँ पे जो कि फीफा विश्व कप की जो ट्रॉफी का अनावरण करने कतर जाएंगे। तो याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे बात करें कतर की राजधानी है दोहा, यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है खालिद बिन खलीफा, जो कि यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है, याद रखिएगा जी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश न्यूक्लियर बम वर्षक B-21 रेडार विमान को लॉन्च किया है? तो जापान, अमेरिका, चीन, डी है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अमेरिका, याद रखिएगा। तो हाल ही में अमेरिका ने अपनी जो न्यूक्लियर बम वर्षक B-21 रेडार विमान को यहाँ पे इन्होंने लॉन्च किया अमेरिका ने। अमेरिका की बात करें राजधानी वाशिंगटन DC, जो बाइडेन यहाँ के जो कि प्राइम मिनिस्टर सॉरी प्रेसिडेंट है, यहाँ के जो वाइस प्रेसिडेंट है आपके कमला हैरिस, जो हमारे भारतीय मूल के हैं। तो न्यूक्लियर बम वर्षक B-21 रेडार विमान को किसने लॉन्च किया है? तो आपके अमेरिका ने लॉन्च किया है, तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाए, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नवा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने पहली बार सुरक्षा अधिकारियों को एक सम्मेलन की मेजबानी की है?
तो जापान, भारत, चीन, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो भारत है जो पहली बार सुरक्षा अधिकारियों के सम्मेलन की मेजबानी की है, तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दसवां क्वेश्चन, हाल ही में समाचारों में रहा आपका समेरू ज्वालामुखी किस देश में स्थित संबंधित है या किस देश में उपस्थित है? तो आपका इंडोनेशिया, भारत, चीन या डी है इनमें से कोई नहीं। तो हालों में खबरों में रहा आपका जो समेरू ज्वालामुखी है यह आपके इंडोनेशिया में स्थित है। तो इंडोनेशिया में यहाँ पे जो कि यहाँ पे भूस्खलन के कारण यहाँ पे बहुत सारे नदियाँ और यहाँ पे घर वगैरह पेड़ पौधे बहुत ही यहाँ पे हानि पहुँची है, तो इंडोनेशिया में स्थित है आपका। आपका जो समेरू जो ज्वालामुखी यह एक प्रमुख ज्वालामुखी है और जो सुमेरु जो पर्वत पर यह अथवा यहाँ आपका सुमेरु पर्वत पर स्थित है। तो आपका जो सुमेरु पर्वत है यह पर्वत जो कि जावा का सबसे बड़ा ऊंचा पर्वत है यह ज्वालामुखी है और इसकी जो ऊंचाई है 3676 मीटर की यह ऊंचाई है इसकी ज्वालामुखी की। याद रखिएगा तो इंडोनेशिया की बात करें यहाँ की राजधानी है जकार्ता, प्रेसिडेंट है जोको विडोडो, यहाँ का जो वाइस प्रेसिडेंट है आपके मारूफ आमिन जो कि यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट है। तो याद रखिए इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता, यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो, यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट है आपके मारूफ आमिन, यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट है। तो याद रखिए यह आपका जो समाचारों में रहा समेरू ज्वालामुखी किस देश से संबंधित है, तो आपके इंडोनेशिया में स्थित है, सुमेरू पर्वत पर यहाँ स्थित है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन, हाल ही भारत में आयोजित पहली G20 शेरपा बैठक का आयोजन कौन से शहर में कर रहा है? तो आपके दिल्ली, चंडीगढ़, उदयपुर, डी है इनमें से कोई नहीं। तो उदयपुर कहाँ है? तो आपके राजस्थान में स्थित है। तो याद रखिएगा तो हाल ही भारत में जो आयोजित पहली G20 शेरपा बैठक का मेजबान कौन से शहर कर रहा है? तो आपके उदयपुर जो कि राजस्थान में इसका आयोजन किया, राजस्थान के सिटी उदयपुर में इसका आयोजन G20 शेरपा का जो कि बैठक का मेजबान आपका उदयपुर कर रहा है। तो उदयपुर कहाँ है? तो आपके राजस्थान में है। तो G20 और G8 जो जैसे अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन की जो किसी देश की ओर से शामिल होने वाली जो आपका विभिन्न जो कि यहाँ पे प्रतिनिधि के शेरपा कहा जाता है, जो आपका पहली जो G20 शेरपा का जो बैठक है यहाँ पे अलग अलग कंट्री में किया जाता है, इस बार हमारे भारत के राजस्थान के उदयपुर सिटी में किया जा रहा है। तो यहाँ पे G20 शेरपा मुख्य रूप से इसको समझेंगे तो G20 और एक और होता है G8, यह शेरपा जो कि जैसे अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन की किसी देश की ओर से शामिल होने वाली यहाँ पे विभिन्न प्रतिनिधि को यहाँ पे शेरपा कहा जाता है। तो यहाँ पे कई कंट्री यहाँ पे शामिल होते हैं इसमें अलग अलग देश के। तो यहाँ पे राजस्थान के उदयपुर में जो कि G20 शेरपा बैठक का मेजबान यहाँ पे जो कि करने जा रहा है राजस्थान के उदयपुर में सिटी को, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में चुनावी बांड की बिक्री और नकदीकरण के लिए एकमात्र अधिकृत संस्था कौन सी है? तो SBI, PNB, HDFC बैंक, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो भारत में चुनावी बांड की बिक्री और नकदीकरण के लिए एकमात्र अधिकृत संस्था कौन सी है? तो SBI है। तो SBI की बात करें, इसकी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है, इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955, याद रखिए स्थापना को, SBI की जो स्थापना है 1 जुलाई 1955 को स्थापना किया गया है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। दिनेश कुमार खारा वर्तमान इसके चेयरमैन है। तो याद रखिएगा SBI के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 13वां क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैंक ने किस देश को पर्यावरण प्रबंधन को मजबूत करने के लिए 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर के वित्त पोषण को मंजूरी दी है? तो जापान, चीन, बांग्लादेश, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में विश्व बैंक ने जो यहाँ पे बांग्लादेश को यहाँ पे पर्यावरण प्रबंधन, तो पर्यावरण के क्षेत्र में उनको प्रबंधन मजबूत करने के लिए यहाँ पे जो विश्व बैंक है बांग्लादेश को पर्यावरण प्रबंधन मजबूत करने के लिए यहाँ पे 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर को वित्त पोषण को मंजूरी दी है बांग्लादेश को। तो बांग्लादेश की राजधानी है आपका ढाका, यहाँ की जो करेंसी है यहाँ पे जो करेंसी रुपया चलता है यहाँ की उसको टका के नाम से इसको जाना जाता है। तो हाल ही में जो विश्व बैंक ने है तो बांग्लादेश को पर्यावरण प्रबंधन मजबूत करने के लिए 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर को वित्त पोषण को यहाँ पे मंजूरी दी है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2022 तक चीन और अमेरिका के बाद कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना है? तो चीन, संयुक्त अरब अमीरात जिसे UAE के नाम से जानते हैं,
तो जापान और इंडिया है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में 2022 तक चीन और अमेरिका जो यहाँ पर हमारे अच्छे संबंध है पहले से ही, अब चीन के बात तो नहीं चल रहा है, चीन के साथ कोई भी समझौता वगैरह व्यापारिक जो लेन देन है उसका काम तो नहीं चल रहे हैं, बाकी अमेरिका के साथ चल ही रहा था। इसके बाद भारत का जो सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार, जो सबसे बड़ा यहाँ पे व्यापारिक जो व्यापार केंद्र है, लेन देन का जो काम है, इसके बाद जो सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना है आपके संयुक्त अरब अमीरात, यहाँ से भी लेन देन बहुत सारे हो रहे हैं, व्यापारिक आदान प्रदान वगैरह लेन देन का काम भी संयुक्त अरब अमीरात अब चीन के बाद इसका जगह बना लिया है, संयुक्त अरब अमीरात। तो व्यापारिक भागीदार आपका संयुक्त अमीरात के साथ लेन देन बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। तो 2022 तक चीन और अमेरिका के बाद आपके संयुक्त अरब अमीरात जो भारत के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार बना है। तो इसी तरह इसका पी ऑप्शन सही हो जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात, याद रखिएगा। आज के लास्ट क्वेश्चन है, बहुत लंबा हो जाता है वीडियो, क्योंकि यहाँ पे फैक्ट बताते बताते बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाता है, तो एक्स्ट्रा पढ़ने को मिलता है, ये करके पढ़ लीजिए। करिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश गश्त ए इरशाद या आपके गांडेस पेट्रोल नाम से जाने जाने वाली आपके नैतिकता पुलिस को भंग किया है, ईरान, कनाडा, जापान, डी है इनमें से कोई। तो हाल ही में जो ईरान है, जो अपने देश ने यहाँ पे गश्त इरशाद या गाइडेंस पेट्रोल के नाम से जाने वाली जो नैतिकता पुलिस को यहाँ पे भंग किया है ईरान ने, तो ईरान की बात करें, कैपिटल है तेहरान, प्रेसिडेंट है यहाँ पे इब्राहिम रईसी, और यहाँ के जो वाइस प्रेसिडेंट है मोहम्मद आपका मुखबर, जो कि वर्तमान में यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट है, तो याद रखिए। तो यहाँ पे ईरान के जो अपने देश के जो गश्ती इरशाद या गाइडेंस पेट्रोल के नाम से जाने वाली जो नैतिकता पुलिस को उन्होंने भंग किया है, तो ईरान देश है जो अपने ही नैतिकता से जाने वाली पुलिस को यहाँ ने भंग किया है, तो इसका ए ऑप्शन याद रखिए। ईरान, ईरान के कैपिटल है तेहरान, तो कैपिटल राजधानी को एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है, तो याद रखिएगा ईरान की राजधानी है तेहरान। तो आज का करंट अफेयर्स कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप चैनल में नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए बस आज के लिए इतना, थैंक यू।